अपनी जाइंट बॉडी और स्ट्रेंथ के कारण हल्क मार्वल फैंस के सबसे फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको हल्क के बारे में 10 ऐसे अनटोल्ड फैक्ट्स बताएंगे जो आपको आमतौर पर मूवीज में देखने को नहीं मिलता। हल्क को लड़ाई करने का इतना शौक है कि ये मार्वल के हर कैरेक्टर से लड़ चुका है, फिर चाहे वो सुपर विलन हो या फिर सुपर हीरो। मार्वल तो छोड़िए, हल्क ने डीसी के सुपर हीरोज को भी नहीं बख्शा। हल्क डीसी यूनिवर्स के कई सारे सुपर हीरोज के साथ फाइट कर चुका है। एमसीयू और कॉमिक्स दोनों में ही थैनोस को सबसे पावरफुल विलन में से एक माना जाता है, और एमसीयू में भले ही थैनोस और हल्क का रिश्ता नॉर्मल सुपर हीरो और सुपर विलन की तरह हो और ये दोनों आपस में लड़ते रहते हो, पर कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। कॉमिक्स में थैनोस हमेशा हल्क से लड़ना अवॉइड ही करता है। इसके पीछे रीजन ये है कि हल्क इनफाइनाइट टाइम के लिए लड़ सकता है, लेकिन थैनोस इतना कैपेबल नहीं है कि वो इनफाइनाइट टाइम तक लड़ सके, इसीलिए कॉमिक्स में वो हमेशा हल्क से दूर ही रहता है। हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम सब यही जानते हैं कि जब उसे गुस्सा आता है तभी वो हल्क बनता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब 1962 में द इनक्रेडिबल हल्क के साथ हल्क का ओरिजिन हुआ तो उस कॉमिक और उसके बाद आने वाले अगले कॉमिक्स में हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन का कारण अलग ही बताया गया। इन दोनों ही कॉमिक्स के मुताबिक प्रोफेसर ब्रूस बैनर हल्क सिर्फ रात के समय ही बनते हैं। उनके हल्क बनने के पीछे उनके गुस्से का कोई लेना देना नहीं है, यानी उन्हें दिन के समय भले ही कितना भी गुस्सा क्यों ना आया हो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही रहेगा, पर रात को अपने आप ही हल्क में बदल जाता है। हालांकि आगे चलकर हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन की ये थ्योरी बदल दी गई और इसे उसके गुस्से से जोड़ दिया गया। एक्समैन मूवीज में हमने देखा है कि किस तरह प्रोफेसर एक्स के पास ऐसी पावर्स है जिनकी मदद से वो किसी के भी माइंड को पढ़ सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है, फिर चाहे वो कोई सुपर हीरो या सुपर विलन हो। प्रोफेसर एक्स हर किसी का माइंड पढ़ सकता है, लेकिन इन सब में हल्क ही एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसका माइंड प्रोफेसर एक्स भी नहीं पढ़ सकता। प्रोफेसर एक्स बताते हैं कि हल्क में इतना गुस्सा भरा है कि उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और वो भी इसको कम नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि हल्क के माइंड को कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है। जब द इनक्रेडिबल हल्क बनाई जा रही थी तब इसे लेकर मार्वल के कई बड़े प्लान्स थे, और इन्हीं में से एक प्लान ये भी था कि वो लोग इसी से मूवी में हल्क के थ्रू कैप्टन अमेरिका को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं किया गया। दरअसल जब इस मूवी में प्रोफेसर ब्रूस बैनर अपनी जिंदगी से थक हार कर सुसाइड करने वाले होते हैं तब हल्क उन्हें बचाता है, और फिर हल्क भी परेशान होकर अपने नीचे की जमीन पर जोर जोर से मुक्का मारता है जिससे उसके नीचे की पूरी बर्फ टूट जाती है। और यहाँ पर हमें इसी सीन में दिखाया जाना था कि किस तरह जब हल्क ये बर्फ तोड़ता है तो इसमें से कैप्टन अमेरिका निकलता है, लेकिन बाद में ये सीन कैंसिल कर दिया गया और कैप्टन अमेरिका को 2011 में आई कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया। मार्वल में जब भी हीलिंग एबिलिटीज की बात आती है तो वुल्वरीन और डेडपूल दो ऐसे कैरेक्टर है जिनका हीलिंग फैक्टर इतना तगड़ा है कि अगर इन्हें कोई चोट लगती है या फिर इनका कोई पार्ट कट जाता है तो ये तुरंत ही रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर बात हल्क की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हल्क का हीलिंग फैक्टर इन दोनों से भी ज्यादा अच्छा है। वो बहुत ही इफेक्टिवली और काफी जल्दी किसी भी चोट से रिकवर कर जाता है। हालांकि मार्वल मूवीज में हमें हल्क का ही हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा नहीं दिखाया गया। इसे हम पहली बार थॉर रैग्नारोक में देखते हैं और दूसरी बार एंड गेम में। मार्वल मूवीज का हल्क कॉमिक्स के हल्क के मुकाबले थोड़ा कम पावरफुल है, इसी कारण जब एंड गेम में हल्क को इन्फिनिटी स्टोन्स के कारण चोट लगती है तो वो इतना ज्यादा रिकवर नहीं कर पाता, जबकि अगर ये कॉमिक्स में होता तो वो रिकवर कर जाता। द एबोमिनेशन 2008 में आई पहली हल्क मूवी द इनक्रेडिबल हल्क में एक विलन था और वो हर वक्त हल्क के खिलाफ ही था और बुराई के साथ खड़ा था, लेकिन भले ही इस मूवी में एबोमिनेशन एक विलन था पर मार्वल के राइटर्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनका तो ये प्लान था कि आगे आने वाली मूवीज में द एबोमिनेशन को एक हीरो और हल्क को एक विलन बना देंगे, जहाँ पर हल्क हमेशा एवेंजर्स के खिलाफ लड़ेगा और द एबोमिनेशन एवेंजर्स की मदद करेगा। लेकिन फिर इस प्लान में चेंजेस हुआ और हल्क आज एक सुपर हीरो है। हल्क के पास ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, मास इंक्रीज, टेलीपैथिक रेजिस्टेंस जैसी कई ऐसी सुपर एबिलिटीज है जिनके दम पर वो मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। लेकिन हल्क के पास कई ऐसी हिडन एबिलिटीज भी है जिनके बारे में हम नहीं जानते, जैसे हल्क मरे हुए लोगों को भी देख सकता है, यानी कि वो भूतों को देख सकता है, यहाँ तक कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के एस्ट्रल फॉर्म को भी देख चुका है, जिसे देख पाना दूसरे सुपर हीरोज के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिसका मतलब है कि हल्क की आंखों से कुछ भी नहीं छिपता। कॉमिक्स में एक बार जब अल्टरनेट यूनिवर्स में हल्क और वुल्वरीन के बीच में एक फाइट होती है तो उसमें हल्क को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो वुल्वरीन के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा जाता है। हालांकि बाद में वुल्वरीन अपनी हीलिंग एबिलिटीज के कारण हल्क के पेट में ही खुद को वापस जोड़ लेता है।
और उसके पेट को चीर कर बाहर निकलता है। लेकिन इस फाइट के दौरान हम देख सकते हैं कि हल्क को जब गुस्सा आता है तब वो किसी भी हद से गुजर जाता है। हल्क में ऐसी एबिलिटीज है कि उसे नींद की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक कि एक्सट्रीम कंडीशन में ना तो उसे खाने की जरूरत होती है और न ही ऑक्सीजन की, और वो यूनिवर्स में मौजूद सभी बीमारियों के लिए इम्यून है, जिस कारण ये सारी चीजें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने गुस्से के कारण बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर उसे हरा पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जिस हल्क को बड़े से बड़े सुपर हीरोज भी नहीं हरा सकते, उसे एक बार कुछ छोटे छोटे पपीज ने हरा दिया था। हल्क को एक बार कॉमिक्स में कुछ पपीज मिले थे और उन पपीज को देखकर उसे उन पर इतना प्यार आया कि वो एकदम शांत हो गया और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में बदल गया, जो दिखाता है कि हल्क को भले ही कोई ना हरा पाए लेकिन ये छोटे मासूम जानवर हल्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हल्क की इन सभी फैक्ट्स में से आप कौन सा फैक्ट इससे पहले नहीं जानते थे, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।